उल्टा सीधा बोल और मेरे चर्च के बातू ना रही है मुझे मिल तो मैं तुझे बता दियो थी ना अभी तुझको पता नहीं है हालेलुया हालेलुया और तू जहां है ना तू जहां है ना मैं वहाँ आके तुझको मिलूं राज तू और वो सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे आपने वीडियो देखा यह जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ का है छत्तीसगढ़ में 23 और 24 तो तारीख को होने वाली मीटिंग को लेकर काफी लोगों ने विरोध किया है जी हाँ उसके जवाब में मसीही लोगों ने भी रैली निकाल कर लोगों का विरोध किया है जी हाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मसीही बहनें सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं जी हाँ जिन लोगों ने इस मीटिंग का विरोध किया था प्रोफेट बजेंदर सिंह का विरोध किया था और छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों का विरोध किया था मसीह लोगों का विरोध कर रहे हैं पास्टरों का विरोध कर रहे हैं उसको लेकर हम बहनों के द्वारा हम देख सकते काफ़ी बहनें हैं काफ़ी भाई लोग हैं मसीह समाज ने मिल कर लोगों का सामना किया है क्योंकि ये लोग खुलेआम आश्रों को धमकी दे रहे हैं विश्वासियों को धमकी दे रहे हैं मसीह लोगों को धमकी दे रहे हैं क्रिश्चन लोगों को धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर झूठा झूठा आरोप लगा रहे हैं इसीलिए मसीह बहनों ने खुले आम ज्योति शर्मा का विरोध किया है जी हाँ ज्योति शर्मा का विरोध किया आप वीडियो में देख सकते हैं वीडियो में आप देख सकते हैं कि ज्योति शर्मा का विरोध किया जा रहा है क्योंकि तो पहले ज्योति शर्मा ने ही इस मीटिंग का विरोध किया था प्रोफेट बजेंदर सिंह का विरोध किया था इसलिए अब मसीही लोग सहन नहीं करेंगे कितना उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कितना विरोध किया जा रहा है मसीह लोगों के ऊपर खुले आम हम देख सकते हैं कि मसीह लोगों को मारने ठोकने की बात की जा रही है मारने के लिए बात की जा रही है मारने के लिए उनको बताया जा रहा है इसलिए मसीह समाज चुप नहीं बैठेगा और मसीह समाज ने भी इसका सामना किया है उसका जवाब दिया है जी हाँ छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आ, जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं पैसे लालच का आरोप लगाते हैं और भी बहुत सारे आरोप मसीह लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं और कई जगहों पर तो मसीह लोगों को मारा जाता है पीटा जाता है छत्तीसगढ़ प्रार्थना सभा जो तेईस चौबीस तारीख को होने वाली उसको लेकर ज्योति शर्मा उनके साथ में कई लोगों ने विरोध किया था इसलिए मसीह लोगों ने भी इसका सामना किया है अगर हम चुप बैठेंगे तो ये लोग ऊपर चढ़ जाएंगे और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे झूठा दोष लगाएंगे इसलिए हमें उनका जवाब देना बहुत ही जरूरी है हमें शांत नहीं बैठना है ये लोग मारने कुटने की बात करते हैं लेकिन हम मारने कुटने की बात नहीं करते हम प्रेम के साथ है ना उनके साथ हम प्रेम उनको भी हम प्यार करते हैं लेकिन उनका जो रास्ता है वो गड़बड़ है वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं कोई भी धर्म किसी को मारने काटने की बात नहीं करता है लेकिन ये लोग खुलेआम ठोकेंगे मारेंगे पिटेंगे इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग शांति प्रिय लोग हैं शांति के साथ प्रेम के साथ रहने वाला समाज है वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता लेकिन फिर भी हद से ज़्यादा मसीह लोगों को दबाया जा रहा है हम बोलते नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि आप दबाते रहेंगे आप हमारे ऊपर इस प्रकार से हमला करेंगे बिल्कुल नहीं ये उसका इकतालीस अध्याय दस कलम में लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूँगा अपने धर्म धन्य हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा द लॉर्ड जितना भी मुस्त समाज है छत्तीसगढ़ में प्रभु उनको संभाले प्रभु उनको दृढ़ करेगा मजबूत करेगा हाल लुया प्रेज लॉर्ड हम ज्योति शर्मा के लिए भी प्रार्थना करते हैं उनके साथियों के लिए भी प्रार्थना करते कि प्रभु उनको आशीष दे और वो भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे आप सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड